अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सरवर एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या है? सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं। इसकी लोकेशन क्या है? ये एम्बेड हुआ होता है, यानी दंसा हुआ होता है इन द लेटरल पार्ट्स ऑफ लोब्स। कौन से लोब्स? थायरॉयड ग्लैंड के। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि थायरॉयड ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं, ठीक है। उनके जो लेटरल यानी साइडों के हिस्सा होता है ना, उसके अंदर ये लाइक एम्बेड हुआ होता है, ठीक है। और उसके बाद ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ये पैराथॉर्मोन रिलीज करता है। पैराथॉर्मोन के बारे में आपने एक बात समझ लेनी है कि इट इज एंटागोनिस्टिक टू कैल्सिटोनोल। कैल्सिटोनोल के बारे में हमने जितना कुछ पढ़ा था, हमने पैराथॉर्मोन में उसके बिल्कुल उल्ट पढ़ना है, ठीक है। तो इसकी भी कंट्रोल जाहिर बात है कि उससे ही होगी कैल्शियम लेवल इन ब्लड, लेकिन यहाँ पे उल्ट होगा। जब कैल्शियम लेवल हाई होगा तो इसकी प्रोडक्शन सप्रेस हो जाएगी, यानी उल्ट हो रहा है उससे, ठीक है। और जब कैल्शियम लेवल लो होगा तो इसकी प्रोडक्शन एनहेंस हो जाएगी। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कि इसने बोन जो मतलब कि बोन्स में कैल्शियम लेवल है उसको डिसॉल्व करना है और उसको लेकर आना है ब्लड के अंदर, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली बोन्स आ रहे हैं, ठीक है, और उसको लेकर आना है इसने ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल किसने क्या करना है? हाई करना है, ठीक है। अगर इसकी अंडर सीक्रेशन होगी तो इसकी अंडर सीक्रेशन होगी तो क्या होगा कि ब्लड में कैल्शियम लेवल फॉल कर जाएगा, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम लेवल हाई करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल फॉल कर जाए तो उससे आप लोग जानते हैं एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं मस्कुलर टेटनी। लास्ट चैप्टर में इसकी डिस्क्रिप्शन मौजूद है। उसके बाद अगर इसकी ओवर सीक्रेशन होती है तो क्या होगा? अगर इसकी ओवर सीक्रेशन होती है तो देखें ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके दो नुकसान होंगे, एक तो ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा नुकसान ये होगा कि बोन्स में कैल्शियम लेवल फॉल कर जाएगा। अगर बोन्स में कैल्शियम लेवल फॉल करेगा तो बोन्स की हो जाएगी डीमिनरलाइजेशन, और जब उनकी डीमिनरलाइजेशन होगी तो उससे बीमारी कॉज होगी लाइक दैट रिकेट ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट यानी सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स हो जाएगी, जो हड्डियों की बीमारियां वो होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और दूसरा इसका नुकसान कि ब्लड में जो है कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर गया, जब ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर जाएगा तो उससे क्या होगा, जब ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए हमारी किडनीज में जाएगा तो वहां पर कैल्शियम स्टोर होनी शुरू हो जाएगी, जिससे क्या होगा किडनी स्टोन कॉज होगा। तो ये था पैराथायरॉइड ग्लैंड। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के ऊपर। आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, पैंक्रियास के ऊपर ये स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। लैंगरहैंस साइंटिस्ट का नाम है, उसने ये लाइक था ना इस तरह आईलेट्स की तरह स्ट्रक्चर से, तो उसने इनको डिस्कवर किया था, इसलिए उनके उसके नाम पे ना इनका नाम आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पड़ गया था, ठीक है। तो बात करते हैं कि इनकी सीक्रेशन कंट्रोल कौन कर रहा होता है। सबसे पहली बात तो ये कि जो ट्रॉपिक हार्मोन्स हैं कहाँ से, एसटीएच और एसीटीएच, ये कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है, ये इसकी सीक्रेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसके बाद दूसरी बात कि ब्लड में ग्लूकोस लेवल इन ब्लड, वो इसकी सीक्रेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। अब आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पे आपने ये बात समझ लेनी है, दो किस्म के सेल्स होते हैं। एक सेल्स को हम कहते हैं अल्फा सेल्स, जो कि बहुत कम होते हैं, स्मॉलर इन क्वांटिटी होते हैं, और इन्होंने एक हार्मोन रिलीज करना होता है, उसे हम कहते हैं ग्लूकागॉन, ठीक है। और एक होते हैं बीटा सेल्स, ये काफी ज्यादा होते हैं और इन्होंने एक हार्मोन रिलीज करना होता है इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये दोनों भी एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स हैं, इन्होंने एक दूसरे के अगेंस्ट काम करना है। अभी मैं इनके फंक्शन दिखाऊंगा ना, वो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो चलिए इंसुलिन से स्टार्ट करते हैं। इंसुलिन का काम क्या होता है? इसने ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना होता है। ग्लूकोज को कम कैसे करता है? ये सबसे पहले तो क्या करेगा कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस बढ़ा देगा। अब आपको पता है ग्लूकोज जो है वो आपस में मिलकर ग्लाइकोजन बन जाता है और उसको लिवर में स्टोर कर लिया जाता है एनिमल्स के अंदर। तो क्या करेगा ये कि ग्लूकोज की क्वांटिटी को लेवल को कम करेगा बाय सिंथेसाइजिंग ग्लाइकोजन। दूसरा काम क्या करेगा कि ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन हमारे सेल के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तीसरा काम क्या करेगा कि जो ग्लूकोज है उसको लिपिड्स के अंदर कन्वर्ट करेगा, यानी कि अदर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसमें कन्वर्ट कर देगा। चौथा काम ये क्या करेगा, ये हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन आपको पता है हाइड्रोलाइज होता है, वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन वाटर लाइसिस मीन ब्रेकडाउन, और ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। ये ग्लूकोज की प्रोडक्शन को रोकेगा। तो ये चार तरीकों से क्या करेगा कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम करेगा। अब इसकी एबनॉर्मेलिटीज पढ़ लेते हैं। अगर ये कम पैदा होगी इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर तो क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन कम पैदा होती है, डायबिटीज मिलाइटस कह देते हैं, जिसको हम आम अल्फाज में शुगर भी कह देते हैं। उसमें होता क्या है? उसमें होता यह है कि जो ब्लड में ब्लड शुगर लेवल है ना वो इंक्रीज कर जाता है।
आमतौर पे मतलब 0.8 से लेकर 1.2 तक नॉर्मल होता है ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, तो इतना होता है। तो उसके बाद होगा क्या कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, वही फिर हमारे यूरिन में शुगर आएगी, ठीक है, ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम डिस्टरबेंस होगी। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा हमारा नर्वस सिस्टम भी इफेक्ट होगा, और उसके बाद बहुत से टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स या मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, तो जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स है वो हमारे ब्लड के अंदर एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हमारी बॉडी डिहाइड्रेट, देखें ग्लूकोज एक हमारे बॉडी के अंदर जो है ना सॉल्यूट है, जब सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा होगी ना तो क्या होगा कि वाटर जो है वो ज्यादा से एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, जो वाटर प्रेशर है या ऑस्मोटिक प्रेशर है वाटर का वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होने के बावजूद भी क्या होगा कि हमें बहुत ज्यादा प्यास लगनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेस सीक्रेशन, अगर हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है तो एक बीमारी होती है, उसे हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया से क्या होगा कि ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन इतनी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल फॉल कर जाएगा। जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल फॉल कर जाएगा, अब आपको पता है कि ग्लूकोज इज द बेसिक फ्यूल ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारे बहुत से नर्वस और मसल फंक्शनिंग दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगे उससे। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा हार्मोन है वो ग्लूकागॉन है। ग्लूकागॉन मैंने आपको बता दी एंटागोनिस्टिक है इंसुलिन के, जो इंसुलिन काम करे इसलिए उसके उल्ट करना होता है। तो ये क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, उसने इनहिबिट किया था ये प्रमोट कर रहा है, और ग्लूकोज लेवल को ब्लड में क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, एनहेंस कर रहा है, ठीक है। अब इसकी अबनॉर्मैलिटीज में क्या क्या होगा, अब इसकी अबनॉर्मैलिटीज में ये होगा, इसकी जो मोस्टली अबनॉर्मैलिटीज है वो कोई नहीं है, लेकिन बीटा सेल्स के ट्यूमर की प्रोडक्शन से कभी कभार इसको भी इफेक्ट हो जाता है। वो कैसे होता है ये समझिए, एक्चुअली बीटा सेल्स मैंने आपको बताया इंसुलिन प्रोडक्शन करते हैं, इनका ग्लूकागॉन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये कैसे इफेक्ट करते हैं मैं आपको भी समझाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए ट्यूमर होता है बीटा सेल्स के अंदर, और वो क्या करेगा, वो एनहेंस कर देगा, एक्सेलरेट कर देगा ग्लूकागॉन प्रोडक्शन को। अब ग्लूकागॉन प्रोडक्शन जब एनहेंस हो जाएगी तो ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि अल्फा सेल्स डैमेज हो जाएंगे। अब अल्फा सेल्स का क्या काम होता है, ग्लूकागॉन प्रोडक्शन, तो इस तरह क्या होगा कि ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगी, तो इससे क्या होगा कि डिसऑर्डर आ जाएगा ग्लूकागॉन प्रोडक्शन में। दैट्स ऑल फ्रॉम पैराथायराइड ग्लैंड एंड आईलेट्स ऑफ लैंगरहंस। इफ एनीवन हैव एनी क्वेरी, यू आर फ्रेंकली आस्किंग कमेंट सेक्शन।